गुड मॉर्निंग क्लास, मैं डॉक्टर प्रेम बापना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, GHS गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बी ए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक। यूनिट फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्लेटो, और आज हम प्लेटो की महानतम रचना रिपब्लिक के बारे में चर्चा करेंगे। रिपब्लिक प्लेटो की महानतम और सर्वोत्तम कृति है। वस्तुतः दर्शन, शिक्षा, राजनीति, समाजनीति एवं तर्कशास्त्र आदि के क्षेत्र में विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियों में रिपब्लिक को सम्मिलित किया जाता है। शैली और विषय विविधता की दृष्टि से यह प्लेटो का अनुपम ग्रंथ है। आकार की दृष्टि से रिपब्लिक प्लेटो के अन्य सब ग्रंथों में बड़ा होते हुए भी लॉज नामक ग्रंथ से छोटा है, परंतु महत्व की दृष्टि से सबसे ऊपर स्थान रखता है। प्लेटो ने इस ग्रंथ को दो नाम दिए हैं, रिपब्लिक एवं न्याय कंसर्निंग जस्टिस। प्रथम शीर्षक इस ग्रंथ में वर्णित आदर्श राज्य व्यवस्था की ओर इंगित करता है, और द्वितीय शीर्षक इस आदर्श राज्य व्यवस्था का मूल आधार न्याय या सद्गुण होता है इस तथ्य को प्रकट करता है। रिपब्लिक ग्रंथ का प्रारंभ प्लेटो ने इस प्रश्न के साथ किया है कि न्याय क्या है, और उसके संपूर्ण ग्रंथ का निष्कर्ष यह निकलता है कि न्यायी होना व्यक्ति के लिए लाभप्रद है। प्लेटो बताता है कि न्याय मानव आत्मा का सद्गुण है, और वह एक उपमा का सहारा लेकर इसकी व्याख्या करता है। प्लेटो बताता है राज्य मानव आत्मा का वृहत रूप है, अतः न्याय की खोज राज्य में की जा सकती है। प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस राज्य का वर्णन किया है वह नगर राज्य है, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य से एकदम भिन्न है। प्लेटो के विवरण से यह स्पष्ट है कि उसने नगर राज्य में तीन मूल वर्गों की स्थापना स्वीकारी है, जिन्हें वह क्रमशः उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग कहता है। प्लेटो का मानना है कि नगर राज्य में आदर्श शासन व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब नगर राज्य में एक सावयवी एकता हो। नगर राज्य मानव आत्मा का ही बृहत रूप है, अतः जिस प्रकार मानव आत्मा के विभिन्न घटक या इकाइयों में सावयवी एकता पाई जाती है, वैसी ही सावयवी एकता राज्य के घटकों में होनी चाहिए। राज्य में ऐसी एकता केवल न्याय के द्वारा ही स्थापित की जा सकती है। अतः जब राज्य के ये तीनों वर्गों के बीच न्याय की स्थापना होगी तो राज्य को सावयवी एकता प्राप्त होगी और आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना भी होगी। रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं है, इसमें नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, विधि शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र आदि विविध विषयों का वर्णन है। न्याय का एवं मानवीय आत्मा के नैतिक गुणों का विवेचन करने से यह आचार शास्त्र का ग्रंथ है। नैतिक गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अच्छे शासन के लिए शासकों की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का विस्तृत वर्णन है। इसी को देखते हुए फ्रेंच विचारक रूसो ने लिखा है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह राजनीति शास्त्र का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें विभिन्न शासन प्रणालियों का, राज्य के स्वरूप का तथा आदर्श शासन प्रणाली का वर्णन है। यह अध्यात्म शास्त्र का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें विचारों के सिद्धांत तथा ज्ञान के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन है।
यह इतिहास के दर्शन का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया से किस प्रकार आदर्श राज्य का अधःपतन निरंकुश शासन में होता है। इस प्रकार इस एक ही ग्रंथ में अनेक शास्त्रों और विषयों का वर्णन है। इन सब का मुख्य कारण यह है कि उस समय तक यूनानियों के ज्ञान का विभिन्न शास्त्रों में सुस्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया था। प्लेटो ने इस महान ग्रंथ की विषय वस्तु की व्यापकता और इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए सेबाइन ने लिखा है, रिपब्लिक किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और न ही यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान इनमें से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें यह सभी कुछ है और इससे भी अधिक, क्योंकि कला, शिक्षा, दर्शन को भी इसमें स्थान दिया गया है। सेबाइन आगे लिखते हैं, यद्यपि रिपब्लिक के अंदर अनेक गहन समस्याओं पर विचार किया गया है और इसकी विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है, फिर भी रिपब्लिक का राजनीतिक दर्शन एकीकृत है और उसकी तर्क पद्धति सरल है। रिपब्लिक के प्रायः सभी विचार थोड़े से शब्दों में व्यक्त किए जा सकते हैं। बार्कर ने रिपब्लिक के बारे में लिखा है, यह मानव के समग्र जीवन के दर्शन का प्रयास है। रिपब्लिक की रचना के उद्देश्य पर यदि हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से प्लेटो ने अपने इस महान ग्रंथ की रचना कुछ निश्चित व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर की थी। प्लेटो यह प्रतिपादित करना चाहता था कि राज्य और व्यक्ति के बीच कोई संघर्ष नहीं है तथा न्यायी एवं बुद्धिमान शासक वही है जो जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग या बलिदान करने में आनंद का अनुभव करता हो। यह कहा जा सकता है कि प्लेटो उस हिंसात्मक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के उन्मूलन का प्रयास प्लेटो ने किया जो उस समय की राजनीति पर बुरी तरह से हावी था तथा जिससे प्रभावित होकर धनिक तंत्रों में अमीर और जनतंत्रों में गरीब वर्गों का शोषण हो रहा था। विचारक बार्कर कहते हैं, प्लेटो के राजदर्शन का लक्ष्य एक ऐसे सुदृढ़ और निष्पक्ष शासन की स्थापना करना था जिसमें न तो अमीर गरीब पर और न गरीब अमीर पर शासन कर सके, वरन दोनों के ऊपर जो हों या कम से कम जिसमें दोनों संयुक्त रूप से भागीदार हो। रिपब्लिक की रचना का दूसरा उद्देश्य तत्कालीन एथेंस के प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था का अंत करना था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य समझा जाता था। यह एक घातक प्रथा थी जिससे अयोग्य और मूर्ख व्यक्तियों के हाथ में शासन की सत्ता सौंप दी जाती थी। अतः प्लेटो ने शासन संचालन को एक कला मानते हुए उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक बताया जिससे प्रशिक्षित व्यक्ति ही शासकों के रूप में कार्य कर सके। इसके लिए प्लेटो एक ऐसे शासन तंत्र का निर्माण करना चाहता था जिसमें स्वार्थपरता के स्थान पर सर्वोदय का भाव हो, परस्पर फूट की जगह एकता हो तथा अनुभवहीन अज्ञान शासकों की अकुशलता के स्थान पर क्षमता और योग्यता का शासन हो। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिपब्लिक में जिन दो साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया है वे है विशेषीकरण तथा एकीकरण। रिपब्लिक की रचना का जो तीसरा उद्देश्य है वो है कुशासन का अंत करना। यूनानी नगर राज्यों में शासक वर्ग शासन शक्ति का खुले रूप में दुरुपयोग कर रहे थे। चारों तरफ अशांति का माहौल था। अतः प्लेटो ने शिक्षा
और प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य की ओर से स्थापित करके शासन के दुर्गुणों को समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार प्लेटो का इस महान ग्रंथ रिपब्लिक की रचना का जो मूल उद्देश्य हमारे सामने आता है वह यह है कि समाज में व्याप्त हिंसा, स्वार्थपरता, संघर्ष, कुशासन, इन रोगों का उपचार करना और समाज को इससे मुक्त कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने राजनीतिक शक्ति को निस्वार्थ और जनहित की भावनाओं से पूर्ण व्यक्तियों के हाथों में सौंपने का प्रस्ताव किया, जिससे वर्ग संघर्ष और राजनीतिक स्वार्थपरता का रोग समाप्त हो जाए। उसका यह विचार उसकी दार्शनिक राजाओं द्वारा शासन की प्रसिद्ध धारणा में अभिव्यक्त हुआ है। अब हम देखते हैं रिपब्लिक की विषय वस्तु। रिपब्लिक एक बहुआयामी एवं विस्तृत ग्रंथ है। अर्नेस्ट पार्कर ने अध्ययन की दृष्टि से रिपब्लिक को इन 5 भागों में विभक्त किया है। पहला है आध्यात्मिक भाग। इसमें अच्छा, भला या नेक क्या है, इस प्रश्न पर विचार करते हुए प्लेटो ने इन शब्दों की परिभाषा की है और सब भौतिक पदार्थों में एक ही तत्व की विद्यमानता बताई है, अच्छाई की। व्याख्या करते हुए प्लेटो लिखता है कि यह एक एकता है जिसमें सभी समयों और सभी अस्तित्वों को एकत्रित किया गया है। इस प्रथम भाग में प्लेटो एक रहस्यवादी के रूप में हमारे सामने आता है। सेकंड है नैतिक दर्शन। इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि न्याय के संयोग से ही आत्मा पूर्णता प्राप्त करती है। इस भाग में प्लेटो ने न्याय से संबंधित नीति शास्त्र का विवरण दिया है और वह मानव आत्मा तथा राज्य दोनों में समानता बताता है और दोनों के प्रसंग में न्याय को सद्गुण सिद्ध करता है। प्लेटो ने व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए एक ही प्रकार के नीति शास्त्र को प्रस्तुत करके नीति शास्त्र व राजनीति शास्त्र में पूर्ण एकता स्थापित की है। तीसरा बिंदु है शिक्षा संबंधी भाग। रिपब्लिक के तीसरे भाग में प्लेटो ने शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रणाली पर विस्तृत एवं गहन विचार किया है। वह शिक्षा को आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन का एक श्रेष्ठ एवं सकारात्मक साधन मानता है। प्लेटो शिक्षा के द्वारा योग्य, कुशल, सहायक वर्ग और संरक्षक वर्ग का निर्माण करना चाहता है। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली का इतना उत्तम विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि कुछ विद्वानों ने इसे शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ तक कहा है। चौथा बिंदु है साम्यवाद संबंधी भाग। रिपब्लिक के चौथे भाग में प्लेटो ने सैनिक वर्ग तथा संरक्षक वर्ग की दृष्टि से संपत्ति एवं परिवार की संस्थाओं पर विचार किया है और इन दोनों वर्गों के स्त्री एवं पुरुषों के लिए संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था को प्रस्तुत किया है। प्लेटो के अनुसार जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। पांचवा बिंदु है आदर्श राज्य व्यवस्था संबंधी भाग। रिपब्लिक के पांचवें भाग के रूप में प्लेटो ने आदर्श राज्य व्यवस्था के प्रसंग में इतिहास की परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन किया है और बताया है कि किन कारणों से एक आदर्श राज्य व्यवस्था का पतन संभव हो सकता है और वह एक निरंकुश एवं आततायी राज्य में बदल सकती है। रिपब्लिक प्लेटो की अमर कृति है। इसमें संपूर्ण जीवन का दर्शन निहित है। रिपब्लिक के संबंध में विचारक बारकर का कथन यह मानव जीवन से संबंधित संपूर्ण दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास है। रिपब्लिक के संबंध में विचारक बेंजामिन जोवेट कहते हैं
प्लेटो का समस्त चिंतन और रचनाएं रिपब्लिक के इर्द गिर्द ही घूमती है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा का मत है, यूरोपीय चिंतन के इतिहास में उसका इतना व्यापक प्रभाव रहा है कि वह निरा व्यक्ति न होकर एक परंपरा और प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्लेटो का आदर्श राज्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।